हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू जबरदस्त ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में अपन करने वाले हैं स्प्रे, और स्प्रे दोस्तों पहली बार अपन जो सबसे शुरू का स्प्रे लाए थे वो लाए थे ब्लैक, जो कि बीच में रह गया था। तो दोस्तों मैंने आप बोल रहे थे कि भाई इंजन पर भी सहरे पर स्प्रे मार दो, तो मैंने उसके लिए टेस्टिंग के लिए एक स्प्रे मंगाया था जिससे मतलब टेस्ट हो सके। तो दोस्तों उसी टेस्ट करने के लिए भाई लोग स्प्रे आ चुका है। 6-7 स्प्रे मंगाए थे मैंने, लेकिन फिलहाल टेस्टिंग के लिए एक ही लाया हूँ दुकान पे से, क्योंकि जब काम ही नहीं करेगा तो दोस्तों फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो बताऊँगा कि कैसे क्या करना। तो पहले अपन करेंगे दोस्तों फ्रंट रिम रेड, उसके बाद में देखेंगे सहरे ट्रैक्टर पर, मतलब पहले रिम करके देखते हैं कि कैसा क्या सीन रहेगा। ट्रैक्टर पूरा गंदा हो रहा है देखो, तो इसको भी साफ़ करना है तो साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये सामान वगैरह जो सब्जी रखी है इसे उतार देते हैं। बाकी देखो पेंट वहाँ खाट पर रखा है यहाँ रखा, ठीक है। तो निकाल के इसे बाहर तब दिखाता हूँ, चलो। तो दोस्तों फिलहाल देखो रिम का हाल, ठीक है, साइडों से हुआ पड़ा मतलब ब्लैक और बीच में ऐसा, और टायर पर भी ब्लैक होगा क्योंकि टायर की भी चमक ख़त्म हो गई, आधे से ज़्यादा घिस गए चारों, लगभग होंगे 30-35 टायर होंगे इसमें चारों, मुश्किल से। तो इस पर कर देखते हैं, पेंट तो दिखा दूँ पहले मैं आपको, रुको पेंट दिखाया था, ये रहा दोस्तों पेंट। अभी अभी लाया जाकर, हमारे पास में मिल गया, पास वाले कस्बे में अमरोहा जाना ही नहीं पड़ा, ये देखो, ठीक है। आज इसको रेड का देख रहे हो कैसा मैच खा रहा, हाँ खा तो रहा। तो इस पर करते हैं लाइव एकदम, चलो ढक्कन खोल लेते हैं, सील, और वो टूट गई सील साथ में। और ये देखो स्प्रे, ये अपन करना स्टार्ट करते हैं पेंट, देखते हैं कैसा क्या सीन होता मतलब इस पर रिम पर। तो चलो फिर करते हैं, इस पर करते हैं शुरुआत पहले, ये काला काला, अरे वाह पेंट है। वाह क्या डार्क पेंट है, ये देखो कैसा हो गया रे, डार्क है, डार्क पेंट सही है, डार्क ही चाहिए था क्योंकि ज़्यादा लाइट ज़्यादा चमकेगा और ट्रैक्टर की उम्र इतनी ना है जो इसके हिसाब से चमके, ठीक है, सही एकदम करेक्ट। ये थोड़ा सा नीचे गिरा इसे और साफ, ये साफ भी हो जाएगा, 12 मिनट में सूखेगा, मतलब उससे अलग ही क्वालिटी वाला आ रहा है। ये हो गया कुछ इस टाइप का, ये देखो देख लो साइडों ब्लैक, बीच में ब्लैक मतलब साइडों ब्लैक बीच में रेड। अब करते हैं उधर की साइड, देखते हैं बाद में सूखने के बाद, 12 मिनट लगते हैं इसको सूखने में, सूखने के बाद देखो कैसा सीन निकल का आता है। फ्रंट रिम करने वाले हैं आज अपन, ठीक है, इससे आज अपन करेंगे फ्रंट रिम, ओके दोस्तों, चलो तो।
इस साइड भी और कर लेते हैं ये इसको। अरे तो हट जा गुरु ये। ये इतना देखो कैसा लग रहा है, आप साइड का ही करते हैं वाला। इस टाइप से कुछ हो चुकी है डन। देखो इस साइड से, ठीक है इस साइड से लुक चेक करो, देखो बिल्कुल रेड है, फैक्ट्री के मैचिंग की हो गई है, सेट हो गई एकदम ये साइड तो, ठीक है दोस्तों। मतलब साइड में ब्लैक और बीच में रेड, सीन सही हो गया। और बाकी जगह करते हैं, देखो पाइप पर करके देखते हैं सफ़ेद वाले, ठीक है। तो इस साइड ऐसा कुछ, दूसरी साइड देखें सूख के कैसा हो गया। जय जंतर मंत्र आई छू, ये देखो सूखने के बाद सही हो गया। ये पाइप पे और करते हैं साले पे, ये हो जाएंगे फिर रेड। ओके इस करके देखते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा, ये पायदान पे देखो पायदान में पादन पा रहा कुछ ऐसा। उतर गया पायदान का तो सेरा इसका, इसके देखो पाई दो इधर की साइड में कर दो, ऐसा कुछ हो गया पाई पाइप पर, और करके देखते हैं पाइप पर, ठीक है। वरना पेंट भी नहीं फटी चुका, रिम्स ही पता चल जाएगा सूखने के बाद कि कैसा क्या रहेगा, ठीक है। रुको तो फिर पाइप पर और कर लेते, कपड़ा रखने के बाद, क्योंकि पाइप पर कपड़ा रखने के बाद सही रहेगा। इधर इच इधर इच, ये लो ऐसे वाह क्या पेंट है, तो इस टाइप से हो गया कुछ पेंट। देखो बैक रिम देखो फ्रंट रिम देखो, और ये यहाँ पर ये करें, ठीक है पेंट हो गया ख़त्म। मतलब इतना ही आता है, दो रिम हुए ऐसे ऐसे, लेकिन इससे पेंट मुझे लग रहा है कम निकला, जम हुआ था पता ना बाबलो बना दिया कुछ ऐसा लगे है पता ना, कंपनी भी दूसरी थी इसकी
अब देखो इससे थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए शो के हिसाब से, ठीक है, लाइट चाहिए, ज़्यादा डार्क देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा पेंट हुआ इससे। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ यार आप इसे देख लोगे रेड स्प्रे को, उसके बाद में बताना कि इंजन पर भी सहरे पे मारना है या फिर ना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में।